नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई तो पुतिन की लिस्ट में कौन कौन सी ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है? रूस की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है सैटर्न, आप इसे शैतान भी कह सकते हैं। इसकी रेंज है 10,000 किलोमीटर। रूस की सबसे बड़ी मिसाइल सरमत, जिसकी लंबाई 35 मीटर है, इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। रूस की सबसे भरोसेमंद मिसाइल है टोपोल, जिसके दो वर्जन हैं, जो 11,000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। रूस की छोटी दूरी की मिसाइल इस्कंदर, रेंज है 500 किलोमीटर, लेकिन यूरोप के लिए सबसे खतरनाक मिसाइल। रूस ने इस वक्त सबसे ज्यादा मोबाइल जो मिसाइल है और जिसकी चर्चा पेरिस से लेकर वॉशिंगटन DC तक तेज हो गई है, वो है RS-24। ये मिसाइल एक ट्यूब न्यूमा ट्रक पर लोड की जाती है। इसे जंगलों के बीच कहीं भी लॉन्च किया जा सकता है। इसको छुपाना बहुत आसान होता है, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और फिर ऑर्डर मिलने के बाद इसके लॉन्चिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। मिसाइल लॉन्च पर खड़ी की जाती है और फिर दाग दी जाती है। RS-24 यार्स मिसाइल की रेंज 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये रूस की सबसे आधुनिक ICBM है, जो दुनिया में किसी भी कोने तक वार कर सकती है। मॉस्को से लॉन्च की गई तो सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि अमेरिका के पश्चिमी तट सैन फ्रांसिस्को तक वार की जा सकती है। RS-24 रूस की सबसे आधुनिक मिसाइलों में से एक है और पुतिन के ऑर्डर के बाद इसको हैंडल करने वाली रूस की रेजिमेंट पूरी तरीके से तैयार है। व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति रूस, जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा और हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए खतरा पैदा करेगा, उसे मालूम होना चाहिए कि रूस तुरंत जवाब देगा और ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा जैसा इतिहास में कभी भी किसी ने नहीं देखा हो। हम किसी भी परिणाम के लिए तैयार है। रूस अपनी कई मिसाइलों को पिछले कुछ महीने से लगातार परख चुका है। ये ऐसी मिसाइल है जो एक साथ 4 या उससे भी ज्यादा वॉरहेड लेकर आसमान की तरफ कूच करती है और फिर कई टारगेट पर परमाणु बम गिरा सकती है। रूस का सबसे खतरनाक हथियार, जिसे 2 सालों में रूस का स्ट्रेटेजिक वेपन में सबसे ज्यादा खास माना जा रहा है, ये रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल है, जो MiG-31 विमान से फायर की जाती है। अलग अलग कैटेगरी में इसकी रेंज 2,000 से 3,000 किलोमीटर तक है और जब ये MiG-31 जैसे सुपरसोनिक जेट से फायर की जाती है तो इसकी रेंज यूरोप से भी बड़े दायरे को कवर करती है। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। इस रफ्तार से आने वाली मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। किंजल को खुद पुतिन रूस के सबसे बेहतरीन मिसाइल हथियारों में दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं और अगर अमेरिका और नाटो इस लड़ाई में कूदे तो इस हथियार को इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। इसका भी सिग्नल दे दिया जा चुका है। अब देखिए बुलावा मिसाइल, जिसकी रेंज 8,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च की जाती है। रूस में इसे लॉन्च करने के लिए 2 तरह से पनडुब्बी तैयार रहती है, एक है बोराई क्लास और दूसरी है टाइफून क्लास की सबमरीन बोराई क्लास, जो रूस की सबसे आधुनिक पनडुब्बियों में से एक है, जिसमें 16 बुलावा मिसाइलों को लोड किया जा सकता है। पानी के नीचे से बुलावा को लॉन्च करने का मतलब है कि दुश्मन को भनक भी नहीं लगती कि उसकी तरफ कहां से हमला हुआ है। वे अटलांटिक महासागर में रहकर भी अमेरिका की तरफ लॉन्च की जा सकती है, ये हिंद महासागर में रहकर यूरोप की तरफ लॉन्च की जा सकती है।